धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सासंग जी, इंसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सासंग जी, जैसा आपको पता है कि पूज्य पिताजी ऑनलाइन सासंग के माध्यम से लाखों लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं, बुराइयां छुड़वा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चिट्टे जैसे खतरनाक नशे को पूज्य पिताजी के मात्र भजन सुनने से ही छोड़ गए, जो कि नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में भी नशा नहीं छोड़ रहे थे, पूज्य पिताजी के भजन सुनने से ही नशा छोड़ गए। तो पूज्य पिताजी ऐसी बुराइयां लोगों की छुड़वा रहे हैं यह एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ऐसे लोग भी हमारे समाज में मौजूद हैं जो कि पूज्य पिताजी के इस कार्य को भी लोगों के सामने कई बार गलत तरीके से पेश कर देते हैं। जैसा कि राजस्थान के भंडारे पर जब पूज्य पिताजी ने जब वचन फरमाए थे कि सभी धर्मों के लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने धर्म के लोगों का ही नशा छुड़वाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप देखें कि हमारे मीडिया ने 2-3 दिन तक इन वचनों को इतना तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया कि सभी न्यूज में लिखा आ रहा था कि पूज्य पिताजी ने चैलेंज दिया है, चुनौती दी है। हालांकि पूज्य पिताजी ने एक बार भी किसी चुनौती की बात नहीं की, जिसके बाद पूज्य पिताजी ने एक सत्संग में ऐसी बातें बनाने वालों के मुंह बंद करा दिए हैं, क्योंकि पूज्य पिताजी ने फरमाया है कि आप ध्यान से सुनो कि कैसे बात को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो सत्संग जी, पूज्य पिताजी लोगों की बुराइयां छुड़वा रहे हैं, उन पर भी कई बार ऐसे बिना मतलब के लोग सवाल उठा देते हैं, तो आपने ऐसी नेगेटिव वीडियो से दूर रहना है और पूज्य पिताजी के वचनों को गलत तरीके से जो लोगों के सामने पेश करते हैं उनकी वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर नहीं करना है, कई बार संगत आगे से आगे भेज देती है। तो सत्संग जी, आपने इन बातों का ख्याल रखना है और पूज्य पिताजी के ऑनलाइन वचनों को सुनते रहना है। तो सासंग जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।